hi i'm dr Kushi Talyani. i'm working in saptajang hospital as an eye specialist in department of ophthalmology i'm here from last eight to nine years i did my mbbs from Maulana azad medical college and did my post-graduation in ophthalmology from this saptajang hospital and i also done the mba from indian institute of management lucknow in the healthcare management आज हम डेली नॉलेज ट्रैक पे आँखों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम टॉपिक्स लेंगे कि हम अपनी आँखों की कैसे रक्षा कर सकते हैं और अपनी आँखों को कैसे बचाव कर सकते हैं ताकि हम आँखों से होने वाली जो भी बीमारी है अपनी अपनी आँखों को बचा सकें आज हम डिस्कस सबसे इम्पॉर्टेंट हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जबकि यूथ बेस्ड प्रोग्राम है कि उनमें आजकल वो लैपटॉप और मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहते हैं वो किस तरीके से अपनी आँखों को छोटी छोटी सावधानियां बरत करके अपनी आँखों को इवन डिवाइस यूज़ करते हुए भी अपनी आँखों को बचा सकती हैं अगर हम ब्रीफली बोलें तो इसको हम डिस्कस uh, करेंगे कि व्हाट विल बी द दस मेजर टिप्स इन आई केयर सो वी कैन प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द लैपटॉप मोबाइल्स एंड अदर मॉडर्न गैजेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आप उसको उचित डिस्टेंस पे रखें ताकि आँखों के बहुत करीब ना लाएं इससे आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है सेकेंडली अगर आप डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो आप उन स्थानों पे यूज़ कीजिए जहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो अगर लाइट की थोड़ी सी अगर नहीं है इल्यूमिनेशन अच्छा तो इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है और थर्डली uh, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने न्यूट्रिशन अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि जो स्पेशली आप वो चीज़ें खाएं जिसमें वाइटामिन ए की प्रचुर मात्रा का है बिकॉज ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है जो कि रेटिना को और आँखों को हेल्दी बनाता है आप जैसे कि uh, मौसम के हिसाब से फल गर्मियों में आप आम का सेवन कर सकते हैं uh, पपीता हो गया इस तरीके का आप इन चीज़ों का सेवन करके अपनी आँखों को न्यूट्रिशस फूड दे सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं और इसके अलावा अगर आप स्मोकर वगैरह हैं तो ये स्मोकिंग वगैरह भी बहुत ही आँखों पर दुष्प्रभाव करती है आप इसकी हो सके तो इसको बिल्कुल मात्रा ज़ीरो कर दें अगर नहीं तो आप थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी कम कर दें और इस्पेशली अगर आप बाहर वगैरह निकल रहे हैं सनलाइट वगैरह में यू कैन यूज़ द सन सो हैव टू प्रोटेट द आई फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन लाइट इसके अलावा मैं ये करूँगा कि अगर आप लॉन्गर समय तक कंप्यूटर या गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू कैन फॉलो अ वेरी सिंपल रूल द रूल इज ट्वेंटी 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 रूल दिस इज़ वेरी सिंपल रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको हर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर फॉर लॉन्गर टाइम आप हर बीस uh, मिनट के बाद आई एम रिपीटिंग हर बीस मिनट के बाद यू हैव टू लुक एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फीट ट्वेंटी फीट for at least 20 seconds. This is a very good exercise uh, if you are working on a uh, computer or lap laptop for longer term especially for the uh, person who are working in an, uh, some other uh, computer company where where they have to look uh, work, work on a system for continuously 6 to 8 hours. This is a very simple rule even if you are working in a company you can do it. The, 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 this will take hardly one minute. I am repeating it's a 20-20-20 rule. After every 20 minutes, look at a distance of 20 feet for at least 20 seconds. This is a very good exercise. Secondly, to make your eye healthy, uh jogging you can walk on a track because basically all these small small activities they release the endorphin. एंड दिव एंड ऑर्फिन अल्टीमेटली जो हारमोन्स होते हैं जो हमारा विजुल कॉन्टैक्स होता है जो देखने वाला एरिया होता है जो कि ब्रेन में मैसेज लेकर जाता है तो उस पर यह हेल्दी इफेक्ट डालता है तो एक्चुअली दिस इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द विज़अल कॉन्टेक्ट एंड अल्टीमेटली योर योर विजन विल बी इम्प्रूव इफ यू आर इफ यू आर डूंग द जॉगिंग एंड नॉर्मल लाइट योगा एक्सरसाइज

पहले डिस्कस किया अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं या आप लेट नाइट में लेट के पढ़ते हैं आपका पोस्चर किस तरह का पोस्चर है आपकी आंखों की क्या पोजीशन है उस रूम का इल्यूमिनेशन क्या है लाइटिंग सिस्टम क्या है ये सब आपका बहुत मैटर करता है अगर आप लेट नाइट स्टडी करने पसंद करते हैं तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कभी भी आप कोई नावल पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसका आपको बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए और आँखों का वो उचित डिस्टेंस पे आपकी बुक वगैरह होनी चाहिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकेंड अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका रूम का इल्यूमिनेशन अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आपको आपकी आंखों पर स्ट्रेन वगैरह ना आए और इसके अलावा आप अगर रात में स्टडी कर रहे हैं तो हर आधे आधे पौने घंटे में जस्ट कोल्ड वाटर से अपनी आँखों को धो सकते हैं जिसकी आपको एक तरीके से राहत महसूस होगी और आपको रात को नींद भी नहीं आएगी ये आजकल के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस तरीके से बच्चा अगर आपका कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को स्कूल में ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिखाई देता तो जनरली ये देखा गया है कि माँ बाप डांट देते बेटा तू मोबाइल का यूज़ कर रहा है इसलिए तेरी आँखें ख़राब हो रही हैं आप इस बातों बातों को इग्नोर ना करें अगर आपका बच्चा कभी भी कंप्लेंट करता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड ठीक तरह से नहीं दिखाई देता या जैसे कि मैं दूर देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी आँखों में भारीपन या या आँखों में से पानी आता है आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें अगर आपका बच्चा घर में यह कंप्लेंट करता है तो यू हैव टू ब्रिंग योर चाइल्ड टू द सम आई स्पेशलिस्ट इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिडन हमारा जो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में रिफ्रेक्टिव एरर कहते हैं जो कि मतलब कि आंखों में चश्मा लगने की संभावना अगर वो बच्चे में है तो हम उसका अर्ली स्टेज में नंबर नम, की जांच करने के बाद उसको चश्मा प्रस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उसका नंबर सेम पावर पे रुक जाए अगर बच्चे को अगर आप लोग या बच्चा इग्नोर कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसका फ्यूचर में नंबर और बढ़ता जाए और फिर वो रिज़ल्ट ना आ पाए ऐनक पहनने से कि जो कि नॉर्मली आना चाहिए तो आप बच्चे को इसको इतना डिस्करेज ना करें कि आपको बच्चा ना बताए कि नहीं नहीं मम्मी को मैं बताऊँगा तो मम्मी डांटें कि मोबाइल का यूज़ करने से मेरी आँखें ख़राब हो रही हैं मोबाइल का यूज़ रिस्ट्रिक्टेड रखिए बच्चों के लिए पर आजकल के ज़माने में तो ये नेसेसिटी बन गया कि हम ज़्यादा इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अगर बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिखाई दे रहा आंखों में से पानी आ रहा है तो दिस इज द फर्स्ट साइन द योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम रिफ्रेक्टिव एरर एंड इट इज बेटर टू ब्रिंग योर चाइल्ड टू सम आई स्पेशलिस्ट ही विल चेक द नंबर ऑफ द योर चाइल्ड एंड ही विल प्रेस्क्राइब द ग्लासेसिस अकॉर्डिंग टू दिस जिस तरीके से आजकल मार्केट में जैसे कि आप जाते होंगे कि ये ब्रीडिंग ग्लासेस हैं ये ये दूर देखने के ग्लासेस हैं ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास हैं ये फैशन वाले ग्लासेस हैं मैं कहूँगा कि ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे हमें अपने अपने आप को बचाना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अगर आपको कोई दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जा के अपना प्रॉपर चेकअप कराने के बाद अपना नंबर लीजिए और उसी नंबर का चश्मा पहनिए जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं फोटोक्रामेटिक ग्लास रीडिंग ग्लास विदाउट नंबर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ एनी काइंड ऑफ द ग्लासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज चाहे आप छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हों जो भी चश्मा पहने अपने करेक्ट नंबर का पहने आफ्टर टेकिंग द करेक्ट नंबर फ्रॉम दोर आई स्पेश यू आर नॉट सपोज टू वियर एनी टाइप ऑफ ग्लासेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट इधर रीडिंग ग्लासेज इधर फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस इधर एक्स वाई जेड ग्लासेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं ग्लासेस आप अगर यूज करते हैं विदाउट टेकिंग द एग्जैक्ट नंबर फ्रॉम द योर ऑप्थमोलॉलिस्ट दिस विल दिस विल नॉट बेनिफिट योर आई दिस विल हार्म योर आईज सो इट इज नॉट एडवाइजेब to use the glasses without taking the number from a doctor. सेकंड सेकेंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी ये मिथ होता है कि आ, हम आई का टेस्ट करवाएंगे कंप्यूटराइज टेस्ट करवाएंगे जैसे कि आपने कई ऑप्टिकल शॉप्स में भी देखा होगा कि यहाँ पर फ्री में कम्प्यूटराइज आँख की जांच की जाती है और हम हमारे पास ही कंप्यूटर वाला है ये एक्चुअली मिथ है कि कंप्यूटराइज जाँच हमारी आँखों के लिए एग्जैक्ट नंबर देती है बेस्ट नंबर वही है अगर आप दवाई डाल करके और उसके बाद टेस्ट करवा के नंबर लेते हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर आता है कम्प्यूटराइज जो होती हैं मशीनें होती हैं दे आर मेड फ्रॉम द अमेरिकन और द जैपनीज उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से डाटा फीड होता है तो उनके हिसाब से वो नंबर देती हैं वी कैन ऑलवेज यूज दिफेक्टोमी जो कि कंप्यूटराइज आईस सिस्टम कहते हैं बट नॉट फॉर द कन्फर्मिंग ऑफ द नंबर नंबर कन्फर्म करने के लिए इट इज बेटर टू गो फॉर द ऑप्थमोलॉजिस्ट ही पुट द ड्रॉप इन द बोथ द आइस एंड ही विल चेक द नंबर एंड गिव यू द नंबर अकॉर्डिंग टू द रिफेक्टिव एयर इसके इसके अलावा काफ़ी लोगों में ये धारणा होती है कि अगर हम घास पे चलेंगे या कुछ लाइट एक्सरसाइज योगा करेंगे तो इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है uh, इसको हम हंड्रेड परसेंट तो करेक्ट नहीं बोल सकते दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट बट पार्शली यू कैन से दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से अगर आप कोई जैसे कि ग्रीन पाथ पे चलते हैं या घास पे चलते हैं या कोई लाइट एक्सरसाइज करती हैं बेसिकली इनकी मैकेनिज्म क्या होती है यू फील गुड आपको अच्छा लगता है तो वैन योर बॉडी इज़ हैप्पी देर आर द हारमोन्स विच आर रिलीज इन द बॉडी दिज आर कॉल्ड द एंडॉर्फिन आर कॉल्ड द हैप्पी हारमोन्स इन द ले मैन लैंग्वेज यू कैन सी दिज आर द हैप्पी हारमोन आपने कभी नोटिस किया होगा अगर आप थोड़ी सी अगर योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या जिम में जाते हैं या आप जॉगिंग ट्रैप पर वॉक करते हैं तो यू फील सम हैप्पी अगर आप नोटिस करोगे तो दिस इज बेसिकली बिकॉज द बॉडी इज़ हैप्पी एंड बॉडी इज रिलीजिंग द सम हार्मोन हैप्पी हार्मोन एंडोरफिन एंड दीज एंडोरफिन एक्ट्स ऑन द विजुअल कॉटेक्स विजुअल कॉर्टेक्स इज़ द एरिया जहाँ से हमारे ब्रेन में संदेश की प्रोसेसिंग होती है जो कि ब्रेन में मैसेज लेकर जाती है कि किस तरीके से आपके सिग्नल्स हैं और उसको परसीव कराती है दीज दीज एंडोरफिन एक्ट ऑन ए पॉजिटिव स्टिमुलस ऑन द कॉर्टेक्स सो पार्शली योर

जिस तरीके से अभी हमारे फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं दिवाली स्पेशली हमारे लिए उसमें हम क्या करते बच्चों की ये होती है कि बच्चे खूब सारे पटाखे जलाना इंजॉय करते हैं होना भी चाहिए क्योंकि बच्चों बच्चा दिवाली में इंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा बट बेसिकली अगर आप इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई अनार या कोई फूल झड़ी या, या कोई जिसमें से डायरेक्ट चिंगारी निकलती है तो हो सकता है कि आपकी वो चिंगारी आपकी आँख में जाने की संभावना रहती है अगर आप पटाखे वगैरह यूज़ कर रहे हैं दिवाली के सीज़न में आप उसको उचित डिस्टेंस पे रखें पटाखे को और हो सके तो उसको कहीं दिखा होगा कि लोग बम हाथ में फोड़ देते हैं ऐसी चीज़ें ना करें क्योंकि डायरेक्टली उसकी चिंगारी अगर आपकी आँख में चली गई तो हमारा जो कॉर्निया होता है ब्लैक रंग का पोर्शन आँख का बहुत ही डेलीकेट होता है अगर उसमें बर्न आ गया तो बेसिकली दिस इज इिवर्सिबल इंजरी इरिवर्सिबल मतलब कि हम उसको फिर ठीक करना एक तरीके से ज़ीरो परसेंट चांस होते हैं अगर वो डैमेज होता है कॉर्निया तो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है आप पटाखों का इस्तेमाल कीजिए नो no प्रॉब्लम बट उसको उचित दूरी से जलाइए कभी हाथ वगैरह में नहीं फोड़िए अगर आप बच्चे पटाखे वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने माँ बाप या कोई भी आपके बड़े घर में है उनके प्रेजेंस में आप पटाखे फोड़िए और हो सके तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं पटाखों का तो एक स्वच्छ पानी की बाल्टी भर के रखें कोई भी अगर कोई पार्टिकल चला जाता है आँख में तो तुरंत कुछ उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रगड़ेंगे तो और आई का डैमेज होगा सिंपल आप कोल्ड वाटर से अपनी आंखों को रिंस कीजिए दिस इज द सबसे फर्स्ट एड ऑफ द आई इफ एनी पार्टिकल स्पेशली कोई भी पटाखों का चला जाता है टू सेव योर आईज़। इसके बाद अगर आपको कोई इसके बाद अगर रिलीफ नहीं मिलता इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप अर्जेंटली किसी आई स्पेशलिस्ट की सलाह रहें अपनी आँखों को रगड़े नहीं क्योंकि तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी आँखों में कॉर्निया डैमेज कर सकता है अगर आप उसको रगड़ोगे तो इसके अलावा हमने देखा होगा कि मार्केट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज़ अवेलेबल हैं जैसे कि फ़िल्म स्टार में वगैरह देखते हैं कि लोग फैशन के लिए पहनते हैं कि फ़िल्म स्टार की उसकी आई ब्लू है तो मेरी भी आई ब्लू होनी चाहिए ब्राउन होनी चाहिए इस तरीके के मार्केट में लेंस अवेलेबल हैं से आप आई का कलर चेंज कर सकते हैं टेम्प्रेरी दीज आर कॉल कॉस्मेटिक लेंसेस अगर आप इसको थोड़े समय तक यूज़ करते हैं जस्ट फॉर पार्टी एंड सम अदर थिंग फॉर शॉर्टर टाइम दिस इज़ ओके बट इफ़ यू आर यूज़ यूजिंग इट फॉर द लॉन्गर टर्म अल्टीमेटली दे विल हार्म योर आइज़ कैसे जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट लेंस होता है जो कि कॉर्निया के फ्रंट में रखा जाता है एंड कॉर्निया जो कि ब्लैक रंग का पोर्शन है हमारी आई का दिस इज़ द वेरी डेलीकेट पोर्शन अगर ये एक बार डैमेज हो गया तो इट इज़ मैंने पहले भी कहा है कि इसको इस इरिवर्सिबल इंजरी तो इट नॉट ए रिवर्सिबल इंजरी तो ये एक बार परमानेंट हो जाता है तो हम इसमें अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस अगर ओकेशनली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से आप उतारें ताकि वो कॉर्निया को इतना डैमेज ना कर पाएँ और उसको एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन में ही रखें ताकि आपका इन्फेक्शन वगैरह ना हो और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लेंस आप ना यूज़ करें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू यूज़ डिस्पोजिबल कॉन्टैक्ट लेंस ये तो हो गए कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट कौस, लेंस के बारे में इसके अलावा नंबर्ड वाले आपके कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं जिनकी जिनके नंबर होते हैं अगर वो चश्मा पहनना नहीं चाहते तो वो टेम्प्ररी टेम्प्रेरी यूजेज के लिए यो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं टू कंपनसेट द यूजेज ऑफ द ग्लासेस इफ दे आर गोइंग फॉर सम पार्टी एंड सम मैरिज फॉर टेम्प्ररी यूजेज मैंने पहले भी कहा फॉर फॉर शॉर्टर टर्म इट इज़ ऑलवेज ओके टू यूज द कॉन्टेक्ट लेंस बट फॉर नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म लॉन्गर टर्म में दे विल डैमेज योर आई दे विल डैमेज योर कॉर्नियन अल्टीमेटली दे विल हार्म योर आई so it is not advisable to use the contact lens for the longer term irrespective whether what is the brand and what is the quality Ultimately they will damage your cornea. For shorter term it is okay, not for the longer term. Even if you are using for a shorter term, it is always advisable to uh, put the contact lens after usage in the antibacterial solution. And if there is an any irritation, uh, अगर आप contact lens use कर रहे हैं तो तुरंत उसको आप निकाल दीजिए और अपने clean water से आप धोइए. और अगर कोई आँखों में redness वगैरह है contact lens use करने से, तो आप antibiotic एं, uh, uh, use कर सकते हैं eye drops की में जिस तरीके से आपको इंफेक्शन होने से आप बचा सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म